नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर सोनभद्र से है, जहां जिले में 41 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जिसमें 3 उप निरीक्षक, 9 मुख्य आरक्षी, 28 आरक्षी के साथ 1 महिला आरक्षी शामिल है। बता दें कि ये तबादले की लिस्ट पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशबीर सिंह ने जारी की है। अगली खबर बस्ती से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बस्ती का दौरा किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान रात में बिजली कटौती पर एक्शन लेते हुए बिजली विभाग के जेई निर्मल को निलंबित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने कैली हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया, जहाँ गंदगी और टूटी खिड़की को देखकर व्यवस्था को सही करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी लोगों तक पहुँचाने की बात कही। हमारा बस्ती जनपद को नंबर 1 पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य है। हम अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने अधिकारियों की टीम के साथ, जनता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। बस्ती जनपद का चतुर्मुखी विकास हो, लाइन आर्डर चुस्त दुरुस्त रहे, हर स्थिति में हम आम जनमानस के साथ उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनको लेकर के जन जन तक हम जा रहे हैं और सबको सुविधाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं उस सबको उपलब्ध हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी चर्चा हुई है, हम उस पर आपको परिणाम शीघ्र ही मिले। आपको पता है, जो मैं पहले बहन जी का बता दूं, वेंटिलेटर जो होते हैं वो आईसीयू में काम करते हैं। हर आईसीयू में वेंटिलेटर चलता मिलेगा। आईसीयू में जाओगे, अगर वेंटिलेटर नहीं चल रहा है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। खबर सहारनपुर से, पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन के आधार पर मनाई गई। हर जगह लोग जगत के पालनहार की पूजन कर भक्ति में डूबे नजर आए। इसी बीच यूपी के सहारनपुर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। दरअसल ये नज़ारा कहीं और नहीं बल्कि जिला जेल में देखने को मिला है, जहां जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिला जेल में बंदी भक्ति में झूमते और डांस करते नजर आए। वहीं बंदियों के साथ जेल के स्टाफ भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर कारागार में बंद 2000 कैदियों ने पूरे कारागार को सजाया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी निकाली गई, झूले में सजाया गया, साथ ही कैदियों ने भजन कीर्तन गाकर प्रसाद भी वितरण किया। अगली खबर अमेठी से है, जहां गुलाबगंज गांव में हत्याकांड का मामला सामने आया है। मामले में आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं मोहनगंज कोतवाली प्रभारी पर भी आरोप लगाए गए हैं। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना का मामला सामने आया है। बेखौफ होकर घर के बाहर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बाइक चोरी करते हुए लाइव सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए। अब इस दिन दहाड़े चोरी की घटना से पुलिस गश्त पर सवाल उठने लगे हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां थाना बेबर क्षेत्र के लालपुरा खुजा गांव के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने पति पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों की तरफ से चलाई गई गोली महिला को लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला और उसके पति को CSC पहुंचाया, जहां महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। अगली खबर चमोली से है, जहां थाना पोखरी पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल शुक्रवार की शाम पोखरी त्रिशुला गोपेश्वर रोड से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ ऑल्टो कार पुलिस ने बरामद की है। थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास 24 घंटे झमाझम बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं मूसलाधार बारिश के चलते 3 राजमार्ग और 11 ग्रामीण मार्ग भी बंद हो गए हैं, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 24 घंटे लगातार बारिश के चलते पूरे क्षेत्र में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। जगह जगह बारिश का पानी सड़कों पर आ गया है। इसके अलावा पहाड़ों से मलबा और पत्थर आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऊपरी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर आज लक्सर में भी देखने को मिला है। वहीं लक्सर क्षेत्र से होकर बह रही नीलधारा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है और वहां के हालात बेहद खराब हो गए हैं। दरअसल पानी लक्सर से बिजनौर को जोड़ने वाली सड़क पर बह रहा है, जिससे लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं SDRF और लक्सर प्रशासन मौके पर पहुंच गई है, जहां लोगों को सड़क पर निकलने से मना किया जा रहा है। फिलहाल बिजनौर से लक्सर को जोड़ने वाली सड़क पर पानी ज्यादा भर जाने के चलते बिजनौर और लक्सर का संपर्क बंद हो गया है। देखिए जलस्तर जो है पहाड़ में बारिश होने की वजह से लगातार बढ़ रहा है और अभी भी जो हम गबनपुरी के पास खड़े हैं, जहाँ पर गंगा जी का पानी जो है ओवरफ्लो होने की वजह से रोड पर आ गया है। और फिलहाल यहाँ पर जो हमने इंतज़ाम किया, हमारी SDRF की टीम है, हमारी प्रशासन की टीम है, हम लोगों को लगातार जो है सतर्क कर रहे हैं। अभी जो है कलसिया और बालावाली क्षेत्र के भी भ्रमण किया गया है, जिसमें वहाँ के लोगों को SDRF और प्रशासन की टीम के द्वारा जो है नदी किनारे जाने से रोका गया है। लोगों को लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है कि वो लोग जो है नदी के तटबंध के आसपास ना जाए। मैडम, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने कई जगहों पर तबाही मचा दी है। प्रदेश के 3 जिलों देहरादून, पौड़ी और टिहरी में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 13 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। इस घटना में 12 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 घायलों को एयरलिफ्ट करा लिया गया है, जिसको जौली ग्रांट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि अभी तक राज्य में 34 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 73 पशुओं की भी मौत हो गई है। सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देहरादून की मालदेवता क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए हैं, जिसके बाद CM पुष्कर सिंह धामी ने भी कई क्षेत्रों का दौरा किया, वहां के हालातों का जायजा भी लिया और साथ ही प्रशासन को हर संभव लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसमें 3 जिले में हमें ये जानकारी मिली है, एक तो टिहरी जिला है, देहरादून और पौड़ी जिला। इसमें टिहरी में 3 लोगों के मृत होने की घटना है और पौड़ी में 1 लोगों के मृत होने की घटना है और देहरादून में कुछ मिसिंग है, अभी मृत होने की पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, खोजबीन चल रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें राज्य में तो 4 लोगों के मृत होने की घटना है, हमारा 3 इंजर्ड हैं जिनको कि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और 13 मिसिंग है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।